Hello guys, so today in this video we will review one of the second best private engineering college under Techno India Group, which is Netaji Subhash Engineering College. So under Techno India Group, Techno Main Salt Lake ke baad second position mein Netaji Subhash Engineering College hi aata hai. So this college was established in the year 1998, which is located at Techno City Gadiya, कोलकाता, वेस्ट बंगाल. सियालदा से आपको साउथ लाइन में न्यू गोड़िया या गोड़िया स्टेशन देखने को मिलेगा. उसमें उधर उतरना पड़ेगा, उधर से आप पैदल जाओगे तो 15 मिनट्स लगेगा. अगर कोई ऑटो या रैपिडो बुक करते हो तो 10 मिनट में आप लोग पहुंच जाओगे. सो नाउ कमिंग टू एफिलिएशन ऑफ दिस कॉलेज. तो दिस कॉलेज अप्रूव्ड बाई AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एफिलिएटेड बाई मकाउट, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी. एंड दिस कॉलेज एक्रेडिटेशन बाई NBA यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. आप लोगों को बायोमेडिकल, CSE, इलेक्ट्रिकल एंड EC में देखने को मिलेगा. तो ये चारों ब्रांच में बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है, एज वेल एज आपको इलेक्ट्रिकल में भी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि NBA इसमें है. उसके बाद दिस कॉलेज ऑल्सो अप्रूव्ड बाई NAC, नेशनल एसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल. सो NAC में इस कॉलेज को B+ ग्रेड मिला है. तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर डिपेंड करके, क्लासरूम, लैब फैसिलिटी को डिपेंड करके आप लोगों को NAC मिलता है. और NBA आप लोगों का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, कितना प्लेसमेंट गया, कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है एक ब्रांच के ऊपर, लास्ट ईयर कितना एडमिशन लिया था इस ब्रांच के ऊपर, तो टोटली डिपेंड करके NBA मिलता है. ठीक है. एंड इन 2020 कॉलेज को NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 300 के बीच में था, तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है. तो आप लोग आग बंद करके जा सकते हो इस कॉलेज में, डोंट वरी. बट एक मिनट रुक जाओ, इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि अच्छे से आप लोग पता चल जाए कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं. ओके, सो नाउ कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज. तो कॉलेज में 62 क्लासरूम है, 41 ई क्लासरूम है, लाइब्रेरीज में 1,05,000 बुक्स है, 65 लैब फैसिलिटी देखने को मिलेगा, वर्कशॉप भी इस कॉलेज में, टोटल 961 कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा, इंडोर आउटडोर दोनों ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिलेगा, एंड बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों ही आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एक एक कॉमन रूम आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो उतना बड़ा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट ओवरऑल ठीक ठाक ही है. आप लोग जाके कैंपस का पूरा मजा ले सकते हो, बट कैंपस तो कैंपस में ही रह जाएगा, कॉलेज तो कॉलेज अपनी जगह पे ही रह जाएगा. हम लोग देखेंगे ओनली प्लेसमेंट. तो कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना जाता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट वरी. तो आगे बढ़ते हैं. तो इस कॉलेज में आपको क्या क्या कोर्सेज देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट है आप लोगों को BTEC, सेकेंड डे डिप्लोमा, थर्ड डे आप लोगों का BBA, BCA एंड आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट में MTEC, MBA, MCA देखने को मिलेगा. तो ओनली हम लोग इस वीडियो में BTEC के ऊपर बात करेंगे, बाकी आप लोग वीडियो पॉज कर देख लेना. डिप्लोमा में एंड BBA, BCA में, MBA, MCA में और MTEC में क्या क्या ब्रांचेस प्रोवाइड करता है. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, BTEC में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच ऐड हुआ है, तो वो हम लोग देखेंगे, डोंट वरी. तो क्या क्या चीज़ ऐड हुआ है, कितने सीट अवेलेबल है, सब कुछ हम लोग एक डीपली देख लेते हैं. तो फर्स्ट है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसमें 13 टेक कैपेसिटी है, कोई NBA नहीं है, आप लोग जस्ट वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना. उसके बाद बायोमेडिकल में 60, कंप्यूटर साइंस में जैसा कि NBA था 240 सीट है, और AIML में 240 सीट है. ठीक है, देन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 60 सीट है, सिविल में 30 सीट है, इलेक्ट्रिकल में देखो 120 सीट है, जैसे कि मैंने बोला था NBA है और अच्छा खासा प्लेसमेंट जाता है इलेक्ट्रिकल में. EC अगर आप लोग लेते हो तो वैल्यू फॉर मनी होगा, सीरियसली 120 आप लोगों का सीट है, और NBA भी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 180 है, मैकेनिकल 60, एंड उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस का सब ब्रांच, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT एंड CSIT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें 30-30 का सीट है. उसके बाद एडवांस मेकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जिसमें 30 सीट है. बहुत सारे स्टूडेंट का मेकाट्रॉनिक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो आप लोग को इस कॉलेज में देखने को मिलेगा. और बायोमेडिकल रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आपको 30 सीट अवेलेबल है, और VLSI डिजाइन टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 16 टेक कैंपस देखने को मिलेगा, और फैकल्टी आप लोग को इतना सारा देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल ओनली इसी कॉलेज में आप लोग को इतना सारा ब्रांच देखने को मिलेगा, सीरियसली भर भर के ब्रांच ऐड किया गया है. तो अगर आप लोग एडमिशन लेना ही चाहते हो थ्रू WBJ काउंसलिंग, या फिर आपका काउंसलिंग में उतना रैंक नहीं आया है, आप लोगों को नेताजी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग विद मिनिमम डोनेशन, सीरियसली बहुत ही मिनिमम डोनेशन देके आप लोग इसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो विथ हाई रैंक,
WBJ में अगर आपका हाई रैंक भी होता है तो भी आप लोग मिनिमम डोनेशन देके एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो हम लोगों का नंबर है और डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर है उस नंबर पे आप लोग कॉल करना होगा। कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन जान के आप लोग कॉलेज आ जाना, सीधा कॉलेज में ही आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा एडमिशन के रिगार्डिंग। ओके, तो अगर एडमिशन रिगार्डिंग कुछ भी अगर हेल्प चाहते हो, कुछ भी क्वेरीज होता है तो आप लोग बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। ठीक है, सो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपके पास वैलिड WBJEE और JEE मेंस का रैंक कार्ड होना चाहिए तो ही आप लोगों को बीटेक में एडमिशन मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को स्पेशल मेरिट कम्स मेन स्कॉलरशिप मिलेगा जो पर ईयर 60,000 है, जिसका नाम है SBMCM, वेबकोस्टी या फिर ओवरसीज, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा। या फिर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पढ़ सकते हो, बिहार का भी और वेस्ट बंगाल का भी, आप लोग दोनों का ही लाभ उठा सकते हो, डोंट वरी। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फीस स्ट्रक्चर, क्या फीस कितना है इस कॉलेज का। तो इस साल सभी कॉलेज का फीस बढ़ाया गया है, सभी कॉलेज का फीस 6-7 लाख के अंदर किया गया है। और टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर जितने भी कॉलेज है, टेक्नो इंटरनेशनल, न्यू टाउन, नेताजी, MSIT, टेक्नो इंटरनेशनल बाटानगर, सबका आप लोगों का सेम फीस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बीटेक CSE का जितने भी आप लोगों का स्पेशलाइजेशन है, IT, CSE, CSBS, AIML, सबका आप लोगों का फीस होगा 6,97,500। एडमिशन के टाइम आपको पेमेंट करना होगा 98,500 और बाकी सेम में आपको 9,584 करके पेमेंट करना होगा। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है जैसे कि AIE, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए आपको 5,55,000 पड़ेगा, एडमिशन का टाइम 90,000 और बाकी सेम में आपको 64, 65, 66 पेमेंट करना होगा। और अगर आप काउंसलिंग के थ्रू TFW मिल जाता है आप लोगों को तो एडमिशन का टाइम 50,250 पेमेंट करना होगा, सेमिस्टर टू में 12,250 पेमेंट करना होगा और बाकी सेम में आपको 1,250 पेमेंट करना होगा, टोटल आपका 70,000 में पूरा कंप्लीट। ओके, अगर TFW में आप लोगों को मिल जाता है तो ओके, तो TFW ट्यूशन फ्री जो होता है वो आप लोगों को नहीं देना पड़ता है, इसीलिए कम है। ओके, तो नाउ अभी बात करते हैं मोस्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा, हाईएस्ट सैलरी जो मिला है वो 60 LPA है, यानी 60 लाख पर एनम, और एवरेज सैलरी गया है 5.34 LPA। 4,500 प्लस जॉब ऑफर्ड किया गया है सीरियसली। और अगर आप लोग लास्ट ईयर का देखते हो तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कितना आप लोगों को प्लेसमेंट मिला है। ठीक है, सो WBJEE रिकॉर्ड के मुताबिक हम लोग देख लेते हैं, 2023 में 82% प्लेसमेंट मिल गया था, मैक्सिमम सीरीज से गया था 35 लाख, एवरेज गया है 6.37 लाख। 2022 में 89% प्लेस्ड हो गया था, 29 मैक्सिमम सीरीज था, 6.5 एवरेज था। 21 में 86% प्लेसमेंट मिल गया था, 47 था मैक्सिमम सीटी सी, 5.5 था एवरेज सीटी सी। तो एवरेज ही इतना अच्छा खासा जाता है, 5-6 लाख एवरेज जाता है। सो नेताजी में इतना अच्छा खासा प्लेसमेंट इसीलिए जाता है क्योंकि इन लोगों का ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 45,000 जॉब ऑफर किया गया है लास्ट डिकेड, 100 रिक्रूटर्स आया है, 30 LPA हाइएस्ट पैकेज था और 5.3 LPA हाइएस्ट पैकेज था। प्री प्लेसमेंट मॉक इंटरव्यू सेशन भी होता है, सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट सिखाया जाता है, उसके बाद आप लोग टेक्निकल राउंड कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड किया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में देखने को मिलेगा, तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा सीरियस। और ये रहा आपको चार्ट जिसको मैं मुझे मिला है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो 35 LPA जो मिला है उसका CSE डिपार्टमेंट मिला है जिसका नाम था राज रीता नाथ। ओके, 42 LPA गया है माइक्रोसॉफ्ट में जो CSE डिपार्टमेंट से था, और 30 LPA जो इस साल गया है वो स्विता सिंह था, वो मॉर्गन स्टेनली में गया है। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे 32 IT का है, CSE 32 है, ठीक है, अमेजोन में प्लेस हुए थे ये सब, तो इतने सारे आप लोग देख सकते हो। तो एवरेज 4-6 एवरेज आप लोग का पैकेज जाता है। सो अभी हम लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखते हैं, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसमें क्लिक करोगे आप लोग को इस तरह से देखने को मिल जाएगा, और कंपनीज क्या क्या आता है, ये सारे कंपनीज आता है जो आप लोग देख सकते हो इधर से ही। और इन लोगों का जो PDF है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का, प्लेसमेंट रिकॉर्ड में क्लिक करोगे तो PDF ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोग PDF देख सकते हो इधर से ही। ओके, इधर पूरा PDF है जिसमें आप जैसे EC का 2023 में ऑन कैंपस में एक्सेंचर, ओके, क्लाउड कैप्टन, इतना सारा कॉग्निजेंट, ओके, इतने सारे कंपनीज में EC का प्लेसमेंट मिल गया था। EC का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है सीरियसली, क्योंकि EC ऐसा एक स्टूडेंट है जो बीच में आता है, IT में भी जा सकता है, गवर्नमेंट में भी जा सकता है, तो EC का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी CSE, उसके बाद आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिकल,
उसके बाद आप लोग देखोगे बायोमेडिकल, ठीक है, बीएमई। देखो इतना अच्छा खासा प्लेसमेंट जाता है ये चारों ब्रांचेस में, तो ये चारों ब्रांच में आप लोग आग बंद करके जा सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर बात करूँ तो टेक्नो इंडिया ग्रुप बहुत ही अच्छा ग्रुप है और इस ग्रुप में के अंदर बहुत सारे आईटी कंपनीज ऐड है और टेक्नो मेन शॉर्ट लिस्ट के बाद नेताजी ऐसा एक कॉलेज है जो सेकेंड पोजिशन में आता है टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर, तो आप लोग आग बंद करके जा सकते हो इस कॉलेज में। और लोकेशन भी बहुत ही अच्छा खासा, सियालदा आओगे न्यू गोड़िया स्टेशन या गोड़िया स्टेशन उतरोगे उधर से आप लोग 15 मिनट ले लगेंगे। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा आप लोग जा सकते हो, आग बंद करके जा सकते हो, सीएससी का कोई भी ब्रांच आप लोग ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबका एक साथ ही प्लेसमेंट बैठाया जाएगा। आपको सीएससी अगर मेन नहीं मिल रहा है तो सीएससी का स्पेशलाइजेशन ले लो, ओके, या कोई भी स्पेशलाइजेशन अलग से पढ़ना चाहते हो तो उसमें ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग जाके आग बंद करके ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।